अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को नवीन सरणगणित क्लास वन का अध्याय नौ पढ़ाएंगे। तो बच्चों देखिए, अध्याय नौ है वस्तुओं की तुलना, उसके बाद है छोटा बड़ा, उदाहरण, बड़ी पर सही, देखिए बच्चों सही का निशान लगा है, का चिन्ह लगाएं। इसका मतलब कि नीचे जो वस्तुएं दी गई हैं उन पर आपको जो ये सही का निशान लगा है उसी तरह से निशान लगाना है। तो बच्चों देखिए, नीचे कौन सी तस्वीर दी गई है, पेंसिल, एक पेंसिल इधर है और एक पेंसिल इधर है। तो बच्चों हमें बताना है कि इन दोनों पेंसिल में, दोनों पेंसिलों में कौन सी पेंसिल बड़ी है। तो बच्चों तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी पेंसिल बड़ी है। तो बच्चों देखिए, ये पेंसिल बड़ी है तो बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। अब सवाल नंबर एक, छोटे पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो बच्चों देखिए, इसमें जो तस्वीर में जो चीज़ छोटी है उस पर सही का निशान लगाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि तस्वीर में क्या है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर तस्वीर हाथी की दी गई है, दो हाथियाँ हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी हाथी छोटी है। तो बच्चों तस्वीर में देखिए और समझिए कि कौन सी हाथी छोटी है। तो बच्चों देखिए, ये हाथी छोटी है तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर दो, छोटी पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो बच्चों यही काम सवाल नंबर एक की तरह इसमें भी करना है। तस्वीर में क्या चीज़ दिया गया है, पतंग की तस्वीर है। तो बच्चों देखिए, इस तस्वीर में दो पतंगे दी गई हैं, इसमें बताना है कि दोनों पतंगों में कौन सी पतंग छोटी है। तो बच्चों देखिए और समझिए कि दोनों पतंगों में कौन पतंग छोटी है। तो बच्चों ये पतंग छोटी है तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर तीन, बड़े पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो बच्चों याद रहे कि इसमें जो बड़ा है उस पर सही का निशान लगाना है। तो हम देखेंगे कि तस्वीर में क्या है। तो बच्चों देखिए, तस्वीर में क्या दिया गया है, गिलास, दो गिलास यहाँ दिखाया गया है। तो हमको बताना है कि इन दोनों गिलासों में कौन सा गिलास बड़ा है। तो बच्चों देख करके समझ करके बताइए कि कौन सा गिलास बड़ा है। हम देखेंगे कि ये गिलास बड़ा है तो हम यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर चार, बड़े पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो बच्चों इसमें भी तस्वीर में जो चीज़ दी गई है उसमें जो बड़ा होगा उस पर सही का निशान लगाना है। तो हम देखेंगे तस्वीर में क्या है। तो बच्चों तस्वीर में दिया गया है, क्या दिया गया है सोच करके बताइए, देख करके, ताला। यहाँ पर तस्वीर में दो ताले दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि दोनों तालों में कौन सा ताला बड़ा है। तो बच्चों देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो बड़ा जो ताला है उसके नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है कम अधिक, कम पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो बच्चों देखिए, अभी हम लोग छोटा बड़ा इसको पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कम और अधिक, यानी कि कौन सी चीज़ें कम हैं कौन सी ज़्यादा हैं। तो देखिए, नीचे टोकरी है, टोकरी में कुछ रखा गया है। तो बच्चों देख करके बताइए, टोकरी में क्या रखा गया है।
सेब रखा गया है। तो हम देखेंगे कि पहली टोकरी में कितने सेब हैं, गिन करके बताएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, पहली टोकरी में छह सेब दिए गए हैं और दूसरी टोकरी में एक दो तीन, तीन सेब दिए गए हैं। पहली टोकरी में छह सेब दिए गए हैं, दूसरी टोकरी में तीन सेब दिए गए हैं। तो बच्चों बताना है, सवाल है कम पर सही का चिन्ह लगवाइए। तो इन दोनों टोकरियों में सेब किसमें कम है? तो बच्चों हम देखेंगे कि दूसरी टोकरी में सेब कम है, तो हमें कम पर सही का निशान लगाना है, तो हम इस बात में सही का निशान लगा देंगे। अगली तस्वीर है बच्चों, देखिए क्या दिया गया है, जग। जग में पानी भरा हुआ है, तो पहले जग में देखिए लगभग आधा पानी भरा हुआ है और दूसरे जग में आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और हमें बताना है कि दोनों जग में किस जग में पानी कम है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पहले जग में पानी कम है, तो बच्चों पहले जग में पानी कम है इसलिए हम पहले जग के नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों सभी लोग अपनी किताब में पेज नंबर 28 अध्याय 9 खोल करके पूरा एक पेज कंप्लीट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।